नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और इस शो को आप तक पहुंचाने में फाउंडर इंडिया की मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज है सोमवार, यानी कि आज हम जुड़ेंगे पूनम सिंह के साथ। पूनम मैम के साथ हम काफी लंबे वक्त से जुड़ते आ रहे हैं। मैम फाउंडर हैं पैसा रोज की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट और सपोर्ट करता है। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो पे। हाय शिवानी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त निकाला, हर सोमवार को आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। मैम, जैसा कि इतने दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बिटकॉइन जो है हर हफ्ते जब वीकेंड आता है तो उसके पास ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आज हम देख ले तो जिसका हम इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब बिटकॉइन $50,000 का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस करेगा, तो वो उसने आज सुबह कर दिया है। हाई बनाया था इसने 5,438 रुपए के आसपास, और अभी 50,280 के आसपास ये चल रहा है। तो मैम, किस तरीके से देख रहे हैं जिस बुल रन की हम इतने वक्त से बात कर रहे थे, क्या बिटकॉइन में वो देखने को मिलेगा? यस, सो शिवानी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर कंसोलिडेशन फेज बिटकॉइन अब अपने नेक्स्ट फेज में जा रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100,000 के ऊपर बिटकॉइन के प्राइसेस रहेंगे। बिल्कुल। एंड अभी 50,000 पर पहुंचा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 24 आवर्स में वंस 52,000 इट क्रॉसेस, तो बाकी सारे अल्टकॉइंस में भी वी कैन सी पंप, बिकॉज अभी काफी अल्ट ग्रो कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले ली है डिप में, दैट वाज ग्रेट, बट अभी भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन इन्वेस्ट मनी इन बिटकॉइन। और 52,000 का वेट करना है, बस 52,000 के बाद डेफिनेटली इस साल के लिए आप फिर निश्चिंत हो जाएंगे, बेसिकली निश्चिंत हो जाएंगे कि उसके बाद डिप शायद देखने को ना मिले, एंड 100,000 या 140,000 के तक हम पहुंच सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। ग्रेट मैम, तो मैम इसका पहले तो हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जो अभी बिटकॉइन में इन्वेस्टेड नहीं है या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड नहीं है, उनके लिए ये मानना और समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है और जो टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो किस तरीके से अचीव होंगे। तो उन लोगों के लिए हमें लग रहा था कि अक्टूबर के आसपास तक जाके हो सकता है कि वो $50,000 हिट करे, लेकिन उसने अभी अगस्त में ही वो कमाल दिखा दिया है। और मैम, इसके साथ साथ अगर हम अल्ट कॉइन्स की बात करें तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि बिटकॉइन तो अभी तेजी से भाग रहा है, अभी $50,000 तक पहुंच गया है, जब अल्ट कॉइन की बात हो रही है तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अब तक हम हमारे सभी एक्सपर्ट से सुनते हुए आ रहे हैं कि बिटकॉइन जैसे ही दौड़ेगा सारे अल्ट कॉइन्स भी उसके साथ दौड़ेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बिटकॉइन अच्छा करता है लेकिन अल्ट कॉइन्स अच्छा नहीं करते। तो मैम, आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? सो जैसे अगर बिटकॉइन से रिलेट ना भी किया जाए, अल्टकॉइंस खुद अपना एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं, एंड आप अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे डिफरेंट कॉइंस के, तो वो अपने ही पैटर्न में मूव कर रहे हैं। एंड इवन अगर आप चाहें आज भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो एवलांच एंड एक्सी इन्फिनिटी और बिटटोरेंट, ये तीनों अभी आज सपोर्ट पर है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहे तो इन तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज एंट्री ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने जो पॉइंट्स पहले बताया था, जो पॉज दी थी, आई थिंक वो भी काफी टारगेट अपना हिट कर दी है। तो अल्टकॉइंस अपना ही चार्ट एनालिसिस, चार्ट देखकर ही टेक्निकल एनालिसिस जो हम देखते हैं, चार्ट अपना ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं। बिटकॉइन डेफिनेटली उनको एक पुश करता है, बट बिटकॉइन अल्टकॉइंस में जो भी अभी प्रोग्राम आ रहे हैं, जैसे अभी एवलांच में देयर वाज अनदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, जैसे इथेरियम में हुआ था वैसे ही एवलांच में हुआ, तो 24 मतलब कल तक प्राइसेस बढ़ेंगे एवलांच में, फिर उसके बाद गिर सकते हैं, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा। तो क्योंकि अल्टकॉइंस की अपनी खुद की एक यूज केस है, वो कंपनीज अपना एक पर्टिकुलर एजेंडा या एम जो विजन है उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हर अल्टकॉइन अपना एक कंपनी का जो प्रोसेस है, अपने उसके इंडिविजुअल कॉइन के इश्यूज हैं,
उनकी कुछ स्ट्रेंथ है, तो इस तरीके से जैसे मैटिक भी अभी और मर्जर्स हुए हैं, एक्विजिशंस हुए हैं, तो उसकी वजह से नाउ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है. सिमिलरली सारे पॉइंट्स अभी डॉट भी हमने देखा कि पिछले यू नो एक दो वीक में डॉट एंड सोल कार्डानो जो है ये सारे ही अपने अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. तो बिटकॉइन डेफिनेटली पुश करेगा, बट इनकेस आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया तो यू कैन टेक एंट्री इन अल्ट्स आल्सो. ठीक है, तो अगर बिटकॉइन में किसी ने अब तक इन्वेस्टमेंट या पैसा नहीं डाला है तो वो ऑल्टकॉइन्स की तरफ देख सकते हैं और वहां जा सकते हैं. मैम, जिस तरीके से आपने इतने सारे ऑल्टकॉइन्स के हमें नाम बताए हैं, और ये कुछ कॉइन्स के नाम हैं जो काफी लंबे समय से हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, चाहे वो सोल हो, एडीए हो, कार्डानो हो, मेटिक हो, ये सारे नाम हम काफी लंबे वक्त से सुनते आ रहे हैं. मैम, एक चीज आप क्लियर कीजिए कि ऑल्टकॉइन्स हमें ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं या बिटकॉइन, और अगर आपकी पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो आप जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऑल्टकॉइन्स की तरफ जाएं या बिटकॉइन की तरफ जाएं? सो बिटकॉइन को जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि बिटकॉइन इज ग्लोबल असेट है एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे हमारा सोना था उस तरीके से बिटकॉइन काम करता है. तो इफ यू वांट टू स्टोर योर मनी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस से बिटकॉइन इज द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट. तो बिटकॉइन में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है और यू नो डेली या वीकली प्रॉफिट कमाना है तो जो अल्टकॉइन्स होते हैं वो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देते हैं. लाइक some altcoins they give even 500% returns within 1 week या 5 दिनों में ही. यू नो अभी UTK ने 5 दिन में 80% से ज्यादा रिटर्न दिया. सो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आप कोशिश कीजिए जो अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट्स हैं और जिनका जो प्राइस है बिल्कुल अभी यू नो अनएक्सप्लोर्ड है, एंड जो रिसेंटली लॉन्च कॉइन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए. बट उसके लिए डेफिनेटली यू नो एक जो जनरल पब्लिक है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, फिर उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना पड़ेगा या ट्रेडर्स की हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग हैं. मतलब वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं. तो किसी की मदद से अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस आप अल्टकॉइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट करके, एंड विद इन 1-2 वीक्स आपको काफ़ी कॉइंस हैं जो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे देते हैं. ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जब हमने इन सारी चीजों पर बात करना डिटेल में शुरू किया था वहीं से अगर हम देखते आए तो $32,000 के आसपास का प्राइस था. आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस आपको दिखेगा, और जिन लोगों ने तब इन्वेस्ट किया था उनके लिए इस वक्त काफी अच्छा प्रॉफिट बिटकॉइन दे रहा होगा उन्हें. तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट की सलाह है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो न्यू लॉन्च होते हैं वैसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा और वो करने में आपकी मदद कर सकते हैं हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स. उनकी मदद से आप समझिए कि किसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कौन सा कॉइन आपको अच्छा रिटर्न देने के चांसेस रखता है, और उसके बाद फिर आप किसी भी ऑल्टकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिटकॉइन की तरफ आपको जाना है. पूनम मैम, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जी, उम्मीद करेंगे मैम कि जल्दी हमें $10,000 का आंकड़ा जो है वो भी देखने को मिलेगा. ये थी हमारे साथ पूनम सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पैसा रोज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है. फाइनेंशियल लिटरेसी जिस तरीके से फाउंडर इंडिया आप तक पहुंचा रहा है उस तरीके से ये पूनम मैम की एक पहल है. आप इनके साथ ट्विटर पे या इनके यूट्यूब चैनल पे इन्हें फॉलो करके इनसे ये सारी जानकारी ले सकते हैं. आज के क्रिप्टो लाइफ में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया.